क्या डिमांड है इसके? 5,000 रुपए डिमांड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है अपने डॉग लवर्स के लिए। तो आज मैं आया हूँ अलेक्सा डॉग कैनल पे, और यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते सस्ते प्राइस में पप्पी मिलने वाले हैं। और भाई पप्पी की क्वालिटी एक नंबर होने वाली है बिल्कुल। तो अंदर चलते हैं कैनल के और एक एक करके आपको सभी डॉग से दिखाते हैं। तो गाइस, ये है डॉग कैनल के ओनर, क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम उज्जवल राजपूत है। अच्छा, एक बार भाई अपनी लोकेशन बता दो, कहाँ पे? तहसील सरदना, जिला मेरठ, गाँव डहर। अच्छा, कौन कौन से डॉग में डील करते हो? तो जर्मन शेफर्ड, रॉटवेलर, यूरोपियन डोबरमैन, अमेरिकन बुली और रिट्रीवर में। अच्छा अच्छा, फिलहाल कितने डॉग है आपके पास? सर फिलहाल मेरे पास 8 डॉग है, जिसमें से 4 फीमेल बड़ी है, अडल्ट है जी, और 4 छोटी है। अच्छा अच्छा जी। और पप्स मिल जाएगी आपके पास? हाँ जी, पप्स मिल जाएंगे, अभी अमेरिकन बुली के पप्स अवेलेबल है मेरे पास अभी जी, व्हाइट कलर में। अच्छा, और ब्लैक व्हाइट में। अच्छा अच्छा, दोनों में मिल जाएंगे। ब्लू आईज है बच्चों की आईज, मैं आपको पप्स भी दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। कब से कर रहे हो डॉग फार्मिंग? सर मैं डॉग फार्मिंग 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, शुरू में मेरे पास एक फीमेल थी। अच्छा, कौन सी? अमेरिकन बुली की फीमेल थी मेरे पास, ये अलेक्सा। अच्छा अच्छा, इसी के नाम से मेरा कैनल है जी। तो मैं ऐसे लेके आया था शौक के लिए, तो उसमें फिर मैंने सोचा कि और भी डॉग पसंद आए मेरे को, फिर डॉबरमैन लेके आया। तो ऐसे इंटरेस्ट? हाँ, धीरे धीरे मैं लेके आता रहा फिर जी। और सारे डॉग भाई एक साथ ही रहते हैं मतलब? हाँ जी, एक साथ रहते हैं। अच्छा, मतलब कुछ फाइट वाइट नहीं होती? ना ना ना, कोई फाइट नहीं, बहुत सीधे बच्चे हैं। कभी बाहर के लोगों को आते हैं, उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। अच्छी ब्रीड है ये, अमेरिकन बुली ब्रीड है, इसका साइज स्टैंडर्ड है। मेरे पास स्टैंडर्ड साइज है, इसके बच्चे अभी हुए हैं। अच्छा, अवेलेबल अच्छा। है, इसके बच्चे की एज जो है 37 डेज के हो चुके हैं, इसके बच्चे ब्लू आईज में हैं। अच्छा, और भाई एज कितनी है इसकी? भाई इसकी एज है ये ऐसी हो गई है 2 साल की। 2 साल की हो गई? तो मतलब शुरुआत आपने? हाँ, शुरुआत इसी से की थी, इसका नाम अलेक्सा है जी। तो भाई दिखाते हैं, इसके पास 2 डिविलर है इनके पास जी। और मेल है फीमेल है? ये फीमेल है, इसके बच्चे भी थे, पिछली बार बच्चे हुए थे, एक लीटर लिया है मैंने इससे। अच्छा, ये अभी 1.5 साल की हुई है। 1.5 साल की? 18 महीने की होगी समथिंग जी। इसके मैंने एक लीटर लिया है अभी। अच्छा, अच्छा, उसकी फीमेल भी है मेरे पास, मैंने ब्रीडिंग के लिए रखी थी इसकी फीमेल जी। हाँ जी। तो भाई मतलब 2 डिविलर पे तो बैन भी लग गया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैन लग रहा है वो ये दोनों फीमेल है, मैंने अपने ब्रीडिंग के लिए रखी थी। अच्छा, दोनों फीमेल है? हाँ जी हाँ जी, सेल कोई कस्टमर आता है तो सेल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। क्या प्राइस दिखा उनका? प्राइस सर देखो, कस्टमर की डिमांड, अपने प्राइस तो 20,000 रुपए है जी। और जब कस्टमर को लेना ही है जी, तो कम बत्ती हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिस्काउंट हो जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने है, बहुत डार्क कलर है जी, फुल डार्क कलर में फीमेल है, जर्मन फीमेल बोलते हैं इनको। जर्मन जी जी। और अभी मतलब कितने दिन की हुई है ये? ये 5 महीने की होगी ये फीमेल। 5 महीने जी जी। और इन्हें डाइट में क्या क्या देते हो भाई? डाइट में इनको देता हूँ कि चावल जी, चना, बाजरा, मक्का। देसी डाइट चलती? हाँ, देसी डाइट चलती है, और साथ में थोड़ी थोड़ी फीड या छा वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, वो नहीं चलता थे रॉयल कैनल स्मार्ट हार्ट क्या बोलते हैं? रॉयल कैनल तो मैं खिलाता नहीं हूँ। अच्छा, बच्चों को ही खिलाता हूँ। अभी फीमेल मैंने अपने मेंटेन के लिए रख रखे, मेंटेन करके रखता हूँ, मेल को तो कैसे नॉर्मल डाइट है, देसी डाइट। हाँ हाँ, देसी डाइट मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ भाई जी। और नॉनवेज? नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं देता, नॉनवेज नहीं देता। तो गाय देख सकते हैं भाई इनके पास कितने क्यूट क्यूट से पप्पी है भाई। कौन सी ब्रीड के है ये? अमेरिकन बुली के हैं। अमेरिकन बुली के जो अलेक्सा है उसके बच्चे हैं, ये होम ब्रीडिंग के बच्चे हैं। अच्छा, होम ब्रीडिंग के बच्चे हैं इनके। और अभी कितने दिन के हुए हैं ये? 37 डेज के हो चुके हैं। 37 और ब्लू आईज में बच्चे हैं, बहुत शानदार क्वालिटी। ब्लू आईज में? हाँ जी, ब्लू आईज में। इनकी आईज दिखाने के बाद? इनकी आईज देखिए आप, गाय देख सकते हैं भाई आईज इनकी ब्लू आईज है। सारे बच्चे ब्लू आईज में हैं जी, मेल फीमेल दोनों। अच्छा, और सेल के लिए? हाँ जी, सेल के लिए है। अच्छा, क्या प्राइजिंग वगैरह रखी है आपने? इनकी फीमेल की पड़ी है प्राइज 12K। 12K? हाँ जी। और मेल की 15K। 15K जी। और कुछ डिस्काउंट हो जाएगा? हाँ, डिस्काउंट हो जाएगा, जो सीरियस पर्सन है लेने वाला जी, बिल्कुल डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट बिल्कुल हो जाएगा। और डाइट में क्या क्या दे रहे हो भाई इनको? भैया अभी तो डाइट में इनका सेरेलैक चल रहा है, सेरेलैक और रॉयल कैनल को मिक्स में ग्लेंडर करके उसमें मिला के मिक्स करके दे रहे हैं जी, सेरेलैक्स और रॉयल कैनल का स्टार्टर। अच्छा, ये केसी है या नॉन केसी है? ये नॉन केसी है। नॉन केसी है। अच्छा, और वैक्सीन कंप्लीट है? वैक्सीनेशन अभी लगी नहीं है, अभी लगी नहीं। अभी 45 डेज के हो जाएंगे जब वैक्सीनेशन लगाएंगे। डिवॉर्मिंग हो चुकी है।
तो अगर मतलब कोई वीडियो के थ्रू आपसे कांटेक्ट करता है तो डिलीवरी करा दोगे आप? हाँ जी डिलीवरी करा देंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है डिलीवरी का। अच्छा, जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे डिलीवरी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैश ऑन डिलीवरी हो जाती है? हाँ जी कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी सर। जी टोकन अमाउंट पे करना पड़ेगा बस। अच्छा अच्छा जी जी। ये कौन सी ब्रीड है? ये गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर जी। मेल है फीमेल है? ये फीमेल है जी। क्या एज है इसकी? एज 5 मंथ। 5 मंथ जी। अच्छा देख सकते हैं क्वालिटी आप, बहुत प्यारी ब्रीड है जी। फैमिली में भी अच्छी रहती है जी। बहुत चुलबुली, मतलब कि एक मजा देने वाली ब्रीड, कभी शांत नहीं बैठती। ये डोबरमैन है यूरोपियन। यूरोपियन ये मैं उमेश जी के कैनल से लाया था, मेरठ में उमेश जी का कैनल है, उनको पहलवान भी बोलते हैं। हाँ, हाँ, पहलवान जी, उनकी फीमेल है ये जी। है तो केशियाई, मदर फादर केशियाई थे, पर मैंने उनके पेपर नहीं लिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसकी हाइट लेंथ देख सकते हो आप। कितनी हाइट है भाई इसकी? हाइट लेंथ भाई कभी नापी नहीं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, देख ले। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हाइट हो सकती है? एज कितनी है इसकी भाई? इसकी एज ये भी 1.5 साल की होगी है। फीमेल है ये? फीमेल है जी। इसका नाम लीजा है। अच्छा अच्छा। पप्स अवेलेबल है इसके? हाँ नहीं अभी पप्स नहीं, अभी बच्चे नहीं दिए इसने, अब गिवर हो गए। अच्छा अच्छा। और सारे डॉग मतलब एग्रेसिव? एक भी डॉग नहीं है? नहीं नहीं एग्रेसिव कोई डॉग नहीं है मेरा जी। ब्रीड एग्रेसिव होती नहीं है ये, एक्चुअली ऐसा होता है इनके खान पे रहने सहने से हो जाता है ये सब। जैसे आप डॉग को रखोगे फैमिली की तरह रखोगे तो फैमिली की तरह रहेंगे जी। खाना ओनर के ऊपर, मतलब जैसा ओनर अपने आप जैसा ट्रीट करेगा ओनर उस हिसाब से जी। तो इसके बाद दिखाते हैं इनका जर्मन शेफर्ड जी, मेल है फीमेल है? ये फीमेल है जी। ये भी 1.5 साल की हो गई है, ये मीडियम कोट में फीमेल है। मीडियम कोट जी जी। बोलते सिंगल कोट डबल कोट ये वो अलग होते हैं, ये मीडियम हो गया, सिंगल हो गया, डबल अच्छा, मीडियम हो गया, अलग होता है, लॉन्ग हो गया। हाँ अच्छा अच्छा। बट लॉन्ग डबल कोट सेम ही रहता है, बस उसमें थोड़ा बालों का फर्क होता है कि इसमें ज्यादा आगे इसके यहाँ पे कान पे आ गए बाल, इसके यहाँ आ गए, उसका ये फर्क होता है। अच्छा, तो सेल के लिए? नहीं सेल के लिए नहीं, सेल के लिए नहीं। नहीं तो भाई इनके पास एक और डोबरमैन है भाई, कौन सा है ये? ये अमेरिकन डोबरमैन है। अमेरिकन है जी। मेल है फीमेल है? ये फीमेल है। फीमेल है। और क्या एज इसकी? इसकी एज 5 साल। 5 साल है जी। और सेल कर रहे हो? हाँ सेल कर देंगे। क्या प्राइस है इसके? प्राइस 5,000 रुपये। 5,000 रुपये जी।